दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं चीट फंड कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें आप लोगों का पैसा फंस जाता है। तो इसमें बहुत सारे पहलुओं की बात करेंगे, कुछ चीट फंड कंपनियों की बात करेंगे, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे और कैसे आदमी इनमें फंस जाता है। इसमें हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे कि ये कंपनियां कैसे फायदे में रहती हैं, कैसे ये कंपनियां आपके पैसे को लेके भाग जाती हैं और आपके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उस पैसे को आप कैसे निकाल सकते हो। मतलब ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है कि आप इनसे बच कैसे सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंपनी चीट फंड कंपनी है। देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चीट फंड कंपनियां होती क्या है, चीट फंड कंपनियों का मकसद क्या होता है, चीट फंड कंपनियां मार्केट में आती क्यों है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, चीट फंड कंपनियां पहले से ही प्लांड कंपनी होती है। मतलब कुछ लोग मिलकर या कोई बंदा मिलकर एक ऐसी कंपनी खोलता है, उसका पर्पज ही इतना होता है कि इतने टाइम में मैं इससे पैसा कमा लूंगा, कमाने के बाद कंपनी को बंद कर दूंगा, कंपनी को बंद करके जितना भी पैसा वहां से इकट्ठा होगा अब वो पैसा मेरा खुद का हो जाएगा। और इसमें कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कंपनियां बंद नहीं होती फिर भी वो फायदा कमाती हैं आपको बेवकूफ बनाकर, और आप समझ नहीं पाते वो कैसे। एक होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, और वो भी फायदे में रहती हैं, वो भी आपको बेवकूफी बनाती रहती हैं, वो कैसे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि इस वीडियो में किन किन चीजों की बात करने वाले हैं। उदाहरण दे दे के अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको चिट फंड कंपनी का मतलब पता चल गया होगा कि चिट फंड कंपनियां कौन सी होती हैं, जिनका पहले ही से पर्पज ये है कि हम फंड को चीट करेंगे, लोगों से फंड लेंगे, उसे चीट करके चले जाएंगे, पैसे को लेके भाग जाएंगे। अब मान के चलो कि चीट फंड कंपनियां कैसे बनाई जाती हैं और कैसे लोग उनसे बच जाती हैं अगर कोई लीगल एक्शन भी होता है। तो मान के चलते हैं कि मैं हूं, उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि मैं एक चीट फंड कंपनी खोलूं, तो मैं क्या करूंगा। मैंने सोचा कि चलो एक चीट फंड कंपनी खोलूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि लोगों को ऑफर दूंगा कि आप हमारी कंपनी से जुड़िए और जैसे आप जुड़ोगे तो ज्वाइनिंग फीस 2,000 रुपये होगी, 2,000 या 3,000 रुपये। उसके बाद आप अगले बंदों को जोड़ोगे तो हर बंदे पर आपको 20% कमीशन मिल जाएगा जितने भी बंदे आप जोड़ते जाओगे। अब मान के चलो कोई बंदा मेरे से जुड़ा, मेरी कंपनी से जुड़ा, उसने मेरे को 2,000 रुपये दिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, दो बंदे और जोड़ दिए नीचे, तो मेरे पास टोटल फंड कितना हो गया, 6,000 रुपये की, 2,000 रुपये आ गए तीन लोगों से। अब जिसने दो लोगों को जोड़ा उसको मेरे को 20-20% देना है, तो मान के चलो कि हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2,000 एक बंदे को जोड़ा जब मेरे को 20% देना है, एक बंदे पर हमें 400 रुपये उसे देने हैं। मतलब उसने दो बंदे हमारे साथ जोड़े, 800 रुपये हमें पेमेंट करना है, मतलब मेरी कंपनी को 800 रुपये उसे देने हैं। लेकिन फंड कितना इकट्ठा हो गया, 2,000 रुपये तीनों से मिले, हमारे पास फंड 6,000 हो गया, देना कितना है, 800। ऐसे ही करके आगे जब जब ये लोग आगे बढ़ाते चलेंगे, आगे और लोगों को जोड़ते चलेंगे तो नेटवर्क बनता चलेगा और मेरे पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन मेरे को चुकाना तो केवल 20% ही है। मतलब मेरे को 2,000 रुपये मिलेंगे जब भी, सिर्फ और सिर्फ मैं कितना पे करूंगा, आप सोचिए कितना पे करूंगा मैं, 400 रुपये। तो एक बंदे पर बस 400 रुपये पे करूंगा, 2,000 मिलेंगे तब, तो फिर भी मेरे को हर बंदे पर 1,600 रुपये का फायदा है। अगर इसमें मैं मल्टी लेवल भी जोड़ देता हूँ कि लेवल वाइज आपको इनकम होगी, फिर भी मेरे को कम से कम 50% बचेगा, 1,000 ही पेमेंट कर पाऊंगा फिर भी 1,000 रुपये मेरे को सेव हो जाया करेगा। तो ये वो कंपनियां हैं जो बंद नहीं होती और फिर भी प्रॉफिट में चलती हैं। लेकिन कंपनी को बंद करना भी बहुत जरूरी होता है ये चीट फंड कंपनियों को, क्योंकि ये जो चीट फंड कंपनियां है ना लंबे समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि हर किसी का जो नेटवर्क है वो मतलब एक लेवल है उस चीज का कि हमारे इतने ही लोग कवरेज में हैं और उनमें से कुछ लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम उन लोगों को कनेक्ट करा देते हैं उस चीट फंड कंपनी में तो उसके बाद हमारे पास भी लोग नहीं है। ऐसे ही ये कंपनियां 3-4 साल में जितना भी फंड इकट्ठा कर सकती है इकट्ठा कर लेती हैं, उसके बाद इनकी इनकम हो जाती है बेकार, इनकम आती नहीं है क्योंकि अब लोग कहाँ से आए, जितने लोग आने थे वो 2 साल के अंदर आ गए। अब कंपनी क्यों बंद करनी पड़ती है, कंपनी इसलिए बंद करनी पड़ती है कि कंपनी को चलाने के लिए जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत सारा फंड आता है, तो सारे रिकॉर्ड वगैरह बनाने पड़ते हैं, किसको कितना पेमेंट करना है, अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर रखने पड़ते हैं, डेवलपर रखने पड़ते हैं, तो पूरी टीम बनानी पड़ती है जो सारी चीजों को मैनेज करती है।
अब भाई 2 साल तक तो टीम रहेगी, पर 2 साल बाद बिजनेस बिल्कुल स्लो मोशन में आ जाएगा, तो फिर उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, अपनी जेब से थोड़ी देंगे, तो उस टाइम पर वो कंपनी को बंद करना होता है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर चीट फंड कंपनियों को ऐसे बंद कर देते हैं तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये प्लांट कंपनी होती है। अब प्लांट कंपनी का मतलब समझ रहे हो, इनका पहले से ये मकसद होता है कि 2 साल में जितना फंड हमारे पास हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस कंपनी को 2 साल बाद बंद कर देंगे। तो जो कंपनी खोल रहा है स्टार्टिंग में, उसे ये तो पता है कि 2 साल बाद कंपनी बंद करनी है, और ये भी पता है कि कंपनी बंद करूंगा तो जिन लोगों के पैसे लेके भागूंगा वो कंज्यूमर कोर्ट में भी अप्लाई करेंगे और मेरे पे कोर्ट केस भी होगा, तो वो इसका समाधान 2 साल पहले ही निकाल लेते हैं। और समाधान के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंपनी का जो चिट फंड कंपनी थी, उसने क्या किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कंपनी का, क्या पता यार हम तो एक आम आदमी है, कल हमारे लिए खतरा इकट्ठा हो जाए, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान किया कि हम चीट फंड कंपनी खोलेंगे, 2-3 साल तक उससे पैसा कमाएंगे, उसके बाद कंपनी को बंद कर देंगे। और अपने घर वालों से बोला, जो उनकी फैमिली थी, कि आप एक नोटिस दे दीजिए न्यूज़पेपर में कि इस लड़के से हमारा कोई आपसी संबंध नहीं है, ना कोई भी नहीं है इससे कोई कनेक्शन, अगर ये कुछ गलत करता है तो इसका जिम्मेदारी ये खुद यही होगा। तो ऐसा मतलब वो रिटन नोटिस न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं और उसका फोटो कॉपी अपने पास रख लेते हैं। अब लीगली तौर पर जो चीट फंड कंपनी खोलने वाला इंसान है उसकी फैमिली का कनेक्शन और उसका कनेक्शन अलग हो गया, मतलब उसकी फैमिली से कोई भी अब कनेक्शन नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई लीगल एक्टिविटी होती है उसके साथ, तो उसका दायित्व तो केवल उस पर्सन का है, उसकी फैमिली का नहीं होगा। अब बात आती है कि पहले तो वो अलग हो गया बंदा अपनी फैमिली से, उसके बाद उसने बनाई एक चीट फंड कंपनी, चीट फंड कंपनी बनाई और लोगों को उससे इंट्रोड्यूस किया, वहां से फंड इकट्ठा होते आया। उस फंड को उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली को देना स्टार्ट कर दिया, फैमिली ने इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, ये सारे काम कर दिए। मतलब केवल फैमिली को नहीं देता, फैमिली को कुछ हिस्सा देता चलता है, कुछ अपना भी इधर उधर करता रहता है, और कुछ बैंक वगैरह से लोन वगैरह ले लेता है। तो ऐसे करके जब फंड को फैलाता रहता है, अपने पास फंड को नहीं रखता। अब 2 साल पूरे होते हैं, 2 साल पीछे उसने बोला कि यार अब तो हमारा बिजनेस डाउन हो गया, तो अब बिजनेस करने से फायदा क्या है, कंपनी को कर दो बंद। अब जब कंपनी बंद होती है तो बंद होते ही सीधा लिया जाता है लीगल एक्शन, कुछ लोग होते हैं जो लीगल एक्शन लेते हैं, वो बंदा जाता है अदालत। रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, कोई ये स्टोरी नहीं सुना रहा, ये रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। तो वो बंदा जाता है अदालत, अदालत जाके सभी लोग बोलते हैं कि भाई इसने हमारे पैसे खाए, पैसे लेके ये चीट फंड कंपनी इसने बंद कर दी। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने पैसे खाए हैं, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वो पहले ही से उस पैसे को इधर उधर लगा चुका है। फिर उसके फैमिली उसका जो जज होता है वो बोलता है, जज बोलते हैं कि तो इसकी जो संपत्ति है, जो संपत्ति होती है ना उसको ऑक्शन सेल बोलते हैं, उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। दिवालिया घोषित करने से पहले उसकी जो संपत्ति होती है उसको बेचकर और जिन लोगों को उससे लॉस हुआ है, जिनके पैसे उसने खाए हैं, उनको पेमेंट कर दिया जाता है, ऐसा लीगल प्रोसेस होता है। तो जब जिस बंदे ने चिट फंड कंपनी बंद किया, जैसे मैंने ही बंद करी है, खोली थी पहले अपने घर वालों से अलग होके, अब मैंने बंद कर दी, तो अब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट में जाके कह दूंगा देखो यार मैंने किया था गलत, मेरे से गलत हो गया, जो हुआ जैसा भी हुआ मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, अब जो भी लीगल एक्शन आप ले सकते हो ले लीजिए, मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। तो कोर्ट एक लीगल एक्शन लेगा कि आपकी संपत्ति सारी बेचकर इनका पेमेंट कर दिया जाए, जितना जितना भी हो सके इक्वली सभी में पेमेंट कर दिया जाए जिनका पैसा फंसा था। अब हुआ क्या कि जब मेरे ऊपर टीम बिठाई गई, उन्होंने चेक किया मेरी संपत्ति, तो मेरी संपत्ति तो बहुत कम, मान के चलो मैंने इन 2 साल में पैसा इकट्ठा किया 50 करोड़ रुपए, अब संपत्ति मेरी रह गई है, संपत्ति वगैरह टोटल पैसा मेरे पे रह गया कितना, 10 करोड़ या 8 करोड़, और कमाया था 50 करोड़, 40 करोड़ मैंने पहले ही से हिलने लगा दिया, कभी घर पे दे दिया, किसी और को दे दिया, इधर उधर कहीं कैश दे दिया, सारी चीजें। और अब कंपनी क्या, अब उन्होंने तो बोल दिया, मैंने तो बोल दिया भाई दिवालिया घोषित कर दो, और क्या, दिवालिया में ये होता है कि मेरे पास जितना कुछ भी है वो दिवालिया मतलब पूरा बेच दिया जाता है और उस बंदे को पेमेंट कर दिया जाता है जिनसे हमने वो कंपनी को पैसा मिला है, जिन लोगों से। तो होगा क्या कि दिवालिया केवल मेरे वो कर सकते हैं इस कंडीशन में, मेरी फैमिली को नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली ने तो 2 साल पहले ही मेरे को अलग कर दिया था लीगली,
न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी निकलवा दिया कि ये बंदे से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट निकलवा दिया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि कर दो दिवालिया, और क्या करोगे? वो क्या करेगा, कोर्ट दिवालिया घोषित कर देगा, मतलब 8 करोड़ की मेरी संपत्ति हो गई दिवालिया। कुछ लोगों का उससे इक्वली पेमेंट हो गया, जितने भी लोग थे उन सभी का। अब भाई हुआ क्या, मेरे को 2 साल की जेल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल हो जाएगी। अब 5 साल बाद या 2 साल बाद मैं जेल से आऊंगा, बाकी के जो 40 करोड़ मैंने इधर उधर लगा के रखे थे उनसे पूरी लाइफ एंजॉय करूंगा। तो ये फंडा होता है चीट फंड कंपनियों का। अब बात करते हैं मल्टी लेवल कंपनियां क्या करती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती हैं। वो कहती हैं कि आप लोग डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप साबुन यूज करते हैं, आप सर्फ यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, तो आपको इसके बदले कुछ मिलता है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो आप हमारी कंपनी के यूज करो तो आपको मिलने लगेगा, डिस्काउंट मिलने लगेगा, आप दूसरे लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो वो जितना भी खरीदेंगे उन पर कमीशन मिलेगा, फिर वो आगे ज्वाइन कराएंगे तो उनकी सेल पे भी आपको कमीशन मिलने लगेगा। तो इन कंपनियों का क्या फंडा होता है, ये कंपनियां बंद कम होती हैं। और क्यों बंद कम होती हैं कि इनका बिजनेस मॉडल बड़ा तगड़ा है। मैं आपको इनकी कंपनियों के बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे इन कंपनियों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है कौन सी सही है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको बताऊं, जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करने की कह रही है कि देखो आप प्रोडक्ट अपने लिए खरीदिए, दूसरों को बताइए कि ऐसे ऐसे ये कंपनी है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद सामान खरीदिए और आगे आप ज्वाइन कराएंगे तो उनकी सेल पर आपको कमीशन मिलेगा। अब वो हिसाब है। अब ऐसी कंपनी का भी एक उदाहरण दे दूं, मैं हूं एक नॉर्मल बंदा, मैंने सोचा यार कुछ करना है मेरे को, यार कुछ करना है, क्या करूं? तो मैंने प्लान बनाया कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्री खुल के बैठे हैं, जो कोई साबुन बना रहा है, कोई शैम्पू बना रहा है, कोई सर्फ बना रहा है, कोई तेल बना रहा है, लेकिन उनका सेल नहीं हो रहा। तो मैंने उन लोगों से क्या बोला कि भाई तुम्हारी वैसे तो कोई सेल हो ही नहीं रही है, वैसे भी तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं मार्केट में, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को सेल करा दूंगा और उसके बदले में आपसे पैसा लूंगा। तो वो बोलेंगे कि यार ठीक है, जिनका कोई माल ही सेल नहीं हो रहा, उनका क्यों माल सेल नहीं हो रहा? क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं जिस वजह से उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे। तो मैंने क्या किया कि एक कंपनी बना दी, कोई भी नाम रख दिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि ये मेरी कंपनी है, आप मेरे से जुड़िए, आप मेरे से जुड़ जाइए, आप क्या करिए हमारे प्रोडक्ट यूज करिए, जो मैं उनसे ले रहा हूँ ना फैक्ट्री वालों से, जो घटिया प्रोडक्ट है उनमें अपनी मोहर लगा लगा के अपना एडवर्टाइजमेंट कर करके उसी प्रोडक्ट को मैं दूसरे लोगों से सेल करवा रहा हूँ। उनसे बोल रहा हूँ देखो आप यूज करते हो डेली यूज के प्रोडक्ट, वो हमसे यूज करो, हम आपको डिस्काउंट में देंगे, आप दूसरे लोगों को यूज करने की सलाह दो, आपको उनकी सेल पर कमीशन देंगे, फिर वो अगले लोगों को देंगे सलाह तो उनके सेल पर फिर आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे हमने लेवल बना दिए, इतने लेवल तक आपको इतनी इनकम होगी, इतने लेवल तक इतनी इनकम होगी। अब हमारे इंडिया में लोग कैसे हैं आपको, आप भी जानते हो, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि भाई भेड़ चाल है, मतलब एक भाग रहा है तो उसी के पीछे दूसरा भाग रहा है। अब उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखना भूल गए। अब जब उन्होंने लेवल गिना दी ना, इस लेवल तक इनकम, फिर उस लेवल तक इनकम, इतनी सेल होगी, इतनी इनकम होगी, ये होगा वो होगा, जाने क्या क्या, मतलब ये मान लो ऑल्टो से ऑडी तक पहुंचा देते हैं वो लोग। तो आपके दिमाग में आ गया यार अब तो पैसे वाले हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, उस प्लान को दूसरों को समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे आप डेली यूज के प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, और अगले वालों को रेफर करोगे तो 10% आपको मिलेगा उसकी सेल पर। इससे दो तरह के लॉस होते हैं, पहला तो मनी लॉस होता है, पैसे का तो लॉस हो ही रहा है क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और दूसरा इससे लॉस होता है आपकी हेल्थ का, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं वो इतना प्रमोट क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है इसलिए कोई खरीदना नहीं चाह रहा, आप चंद पैसों के लिए उस प्रोडक्ट को आगे तक बढ़ा रहे हो। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं वो एडवर्टाइजमेंट कर रही, क्यों नहीं मार्केट में ला रही उस प्रोडक्ट को, क्यों नहीं ओपनली सेल कर रही? ओपनली सेल करेगी तो फंस जाएगी, मार्केट में कभी भी छापा पड़ा तो फंस जाएगी वो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप सेल कर रहे हो। तो ये सिस्टम होता है इन कंपनियों का कि जो 50 रुपए का प्रोडक्ट है एक तो वो 150 रुपए का सेल कर रही है, क्योंकि भाई मार्केट में तो तेल 150 का ही आ रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी तो देख लीजिए यार जो वो कंपनी बेच रही है। मान के चलो कि कोई तेल है 80 रुपए का 1 किलो या 90 रुपए का 1 किलो मार्केट में आ रहा है, और हम जो मेरी जो कंपनी जो मैंने अभी कंपनी बनाई है वर्चुअल, वैसे बता रहा हूँ कि जो मैंने बनाई है
वो उस बंदे से खरीद रही है जिसका माल बिक ही नहीं रहा। वो कह रहा है 40 रुपए लीटर में ले जाऊं मेरे से, पर सेल तो कराओ, तो मैं उस 40 वाले को 80 में बिचवा रहा हूँ तुम्हारे थ्रू। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही सेल करवा रहा हूँ। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो थर्ड क्लास घटिया प्रोडक्ट होता है आप पैसे कमाने के चक्कर में बेचने लगते हो। अब बात आती है भाई कि ये कंपनियां सक्सेस कैसे हो जाती है इंडिया में। ये कंपनियां सक्सेस इसलिए हो जाती हैं कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि आपने किसी को 2,000 रुपए दे दिए ऐसी कंपनी में जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि कम से कम मेरे ये 2,000 रुपए निकल आए, फिर मैं भले ही बंद कर दूंगा। तो आप वो 2,000 निकालने के चक्कर में एक बंदे पर, आपको कंपनी ने बोला 20% देंगे एक बंदे को ज्वाइन कराइए, तो आपको कितने बंदे चाहिए 2,000 निकालने के लिए? क्योंकि 20% मतलब 400 रुपये मिलेंगे, तो चार पांच बंदे आपको, पांच बंदे चाहिए अपने पैसे को निकालने के लिए। अब हुआ कि आपने पांच बंदे ज्वाइन करा दिए उस कंपनी में और 10,000 रुपये उस कंपनी को दिलवा दिए। आपको कंपनी ने कितना दिया? केवल 2,000 रुपये, और कंपनी को कितने का फायदा हो गया? 8,000 का। अब हुआ क्या कि जैसे आपने पांच बंदों को ज्वाइन कराया, उनके 2,000 फंस गए। वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने 2,000 निकाल लूं तो वो दो आगे पांच लोगों को फंसा रही है। फिर वो वाले ये सोच रहे हैं यार मेरे 2,000 फंस गए, वो कहते हैं पांच लोगों को मैं भी ज्वाइन करा दूं अपने पैसे निकाल लूं। इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आप जैसे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। आप लोग केवल अपने पैसे निकालने के चक्कर में पांच लोगों को बेवकूफ बना देते हो। अब बात आती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट सेल करती है उसमें क्या सिस्टम है। इसमें माइंड की थिंकिंग को बदल दिया जाता है। इसमें माइंड की थिंकिंग को कैसे बदल दिया जाता है? इसमें एक बेसिक लेवल से आपको स्टेज से स्टार्ट किया जाता है कि देखो आप इतने रुपए का इतना खरीदते हो, इतने का इतना खरीदते हो, मार्केट से इतना खरीदती हो और आपको इतना प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपको एक चैन दिखाई जाती है कि आप कम से कम दो लोगों को ज्वाइन कराओगे, दो दो को कराएंगे, दो दो को कराएंगे, फिर दो दो को कराएंगे, दो दो को कराएंगे, दो दो को, दो दो को, दो दो को, ऐसे करके आपकी इनकम होगी 1.5 लाख रुपए महीने। समझना, वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में दिखा देते हैं कि 1.5 लाख रुपए महीने आपके घर बैठे आने लगेंगे। अब भाई हुआ कि आपके दिमाग में ये बात भर गई कि यार 1.5 लाख रुपए महीने, यार 1.5 लाख रुपए महीने। जो बंदा अब बचपन से ये सोचते आया कि 22-23-25 हज़ार की नौकरी मिल जाए बढ़िया, मैं बड़ा खुश रहूंगा, उसको 1.5 लाख रुपए महीने, वो भी बिना कुछ किए 1.5 लाख रुपए महीने। रात में भी यही चीज चल रही है, दिन में ही यही चीज चल रही है। तो इसलिए माइंड हो जाता है डाइवर्ट। फिर हम ये सोचते हैं कि अब तो भाई कमाने लगेंगे, लेकिन रियलिटी जब पता चलती है, जब आप उस फील्ड में अंदर घुसते हो, जब चार लोगों से मिलते हो, जब आपको क्लाइंट नहीं मिलते, सभी जानते हैं कि ये फेक है। अब बात करते हैं एक और तरह की कंपनी की। वो कैसी कंपनी होती है? वो ऐसी कंपनी होती है आपसे बोलेंगे कि देखो आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, 10,000 में हम आपको कोट पैंट देंगे और बढ़िया मीटिंग कराएंगे, आपको होटल में ले जाएंगे, आप इतने लोगों को ज्वाइन कराइए, फिर आपको यहाँ पे ले जाएंगे, आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, और टूरिस्ट आप गोवा घुमाने ले जाएंगे, कनाडा ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, और आपको 20% मिलेगा हर बंदे पर। मतलब आप 10,000 रुपये एक बंदे को ज्वाइन कराने का है तो 2,000 रुपये आपको मिलेंगे उनमें से। तो आप एक दिन में अगर दो भी कराते हो तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे, और 4,000 के हिसाब से अब महीने के देखोगे तो 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो माइंड को डाइवर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा माइंड डाइवर्ट कब होता है? मान के चलो उन्होंने 100 लोगों को फंसा लिया ऐसी 10,000 रुपये लेकर, 10 लाख रुपये उनपे आ गए। उन्होंने क्या किया कि कोट पैंट सिलवा दिए और भेज दिए। मान के चलो 2 लाख रुपए में 100 लोगों के कोट पैंट आराम से सिल जाएंगे और भेज दिए। अब भाई 100 लोग कोट पैंट टाई पहन के और बढ़िया, उनके लिए एक बढ़िया सी टूरिस्ट बस कर दी, अब वो निकल के आ रहे हैं। आप जैसे लोगों को वो तो 100 बना दिए उन्होंने, अच्छे टिप टॉप बना दिए, जिससे लगे हाँ ये पैसे वाले हो गए इस कंपनी। हुए कोई नहीं, बस कोट पैंट अच्छे दिलवा दिए, हुआ कुछ नहीं है। अब आप जैसे लोगों को ले जाया जाता है, हम जैसे लोगों को ले जाया जाता है जो भाई साहब बड़े सादा सिंपल हैं, फिर हम वहाँ पे जाते हैं ना, फिर हमें एक फीलिंग आने लगती है कि यार पैसा तो ये है जो सामने देख रहा है, पैसा तो इन लोगों पे है, हमारे पास क्या है यार, ये फटी हुई शर्ट, ये यार जिंदगी कैसे बदलेगी। अब होता क्या है कि आपका बाहर से ही थिंकिंग बदलने लगी, यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो बात है, एक दो बंदा ऐसे हो तो ये भी है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप अंदर जाते हो आपको एक VIP होटल में ले जाया जाता है, 5-स्टार होटल में। अब आपको वहाँ पे AC में बैठा दिया जाता है, जहाँ पे आप कभी भी नहीं बैठे, आप ऐसे नॉर्मल घर में रहे हो, और उसके बाद ऐसे 5-स्टार होटल में
फिर उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं कि अरे ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारे बॉस ये हैं, इन्होंने ऑडी ले ली, इन्होंने ये ले ली, दुबई में फ्लैट ले लिया, इन पे ये है, इन पे वो है। आपके दिमाग को पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आपको ये दिखाया जाता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अगर इसको ज्वाइन नहीं करते तो, आप इसमें 10,000 रुपये नहीं देते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, आपको ये लगता है कि यार मेरे पास और कोई चारा है जिससे 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने में कमा सकूं, तो आपका दिमाग बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है जिससे 1.5 2 लाख रुपए कमा सके। तो आपका एक तरफ आईना जाता है, आपके दिमाग जाता है कि यार ये जो बता रहा है ये है तो मेरे पास आइडिया, तो आप केवल उसी चीज को कैच करने लगता है। ये दिमाग का प्रोसेस है कि हम जिस चीज को बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं, वो बार बार हमारे दिमाग में घूमने लगती है। तो आप ऐसे तैसे इधर उधर से जुगाड़ करके 10,000 दे देते हो, और 10,000 देने के बाद वो कोट पैंट पहन के आप भी उन्हीं की मीटिंग में शामिल हो जाते हो, और उसमें कुछ लोग पहले से ही प्लान किए होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं भी या नहीं मेरे को नहीं पता, ऑडी किराए पे ली है कि BMW किराए पे आजकल आराम से मिल जाती है, तो फिर वो पहले ही से प्लान किए हुए होते हैं, वो आके दिखाते हैं कि हम कितने रिच हो गए। बहुत सारी चीजें, मैं इतना कुछ क्या बताऊं कि बहुत ही घोटाला बना चला है। अब हम जैसे, आप जैसे सीधे साधे गरीब इंसान इन चीजों में फंस जाते हैं। अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में? पहली चीज, इसमें दो टाइप के लोग आएंगे, एक तो जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, दूसरे लोग जो फंसना चाहते हैं या फंसने वाले हैं। तो क्या किया जाए उस टाइम पर? हम पे कोई और भी तो चॉइस नहीं है ये ना करें तो। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, कुछ रोहित भाई ये और कुछ भी तो नहीं है। देखो, अगर आप थिंकिंग एक ही जगह पे अटका के रखोगे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक तोता था एक बंदे के घर पे, तो वो क्या कर रहा था, तोते को बंद रखता था पिंजरे में और घर के अंदर रखता था। तो तोते को बस ये लगता था कि यार इस पिंजरे ही पिंजरे में सब कुछ है, इस पिंजरे में ही दुनिया बसी है। लेकिन उसे ये लगता था कि इस पिंजरे को अगर मैं तोड़ के किसी दिन चला जाऊं तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, यहाँ पे तो मेरा मालिक है देखने वाला, यहाँ पे तो सब सभी लोग हैं मेरे को सपोर्ट करने वाले। लेकिन जब हुआ क्या कि एक दिन पिंजरे को उसने खोला जो मालिक था, तो वो तोता मन बना के उड़ी गया उसमें से। जब वो उड़ा तो अलग अलग पक्षियों से मिला, उसने देखा माहौल बाहर का कि कैसा है, क्या चीजें हैं, तो उसने खुले में रहना, बेर खाना, बड़े मतलब बहुत ही अच्छी जिंदगी सीख ली एक पिंजरे को छोड़कर। उसे उस टाइम पर महसूस हुआ कि भाई जब तक हम बंद रहेंगे, जब तक हम एक ही दिमाग को सीमित रखेंगे एक ही जगह पे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि पहला, जो लोग फंस चुके हैं पहले ही से पैसे दे चुके हैं, तो उनसे बोलूंगा कि देखो आप तो फंस गए, लेकिन आगे वालों को मत फंसाइए, आगे वालों को बताइए कि यार ये गलत चीज है, इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हो ना, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी चीट फंड कंपनी में फंसे हो और उसके बाद वो आपका लड़का उसी कंपनी में या वैसी ही कंपनी में काम करता है, तो आप क्लियरली मना कर दोगे कि बेटा ये सारी चीजें बेकार होती हैं, आप इस लफड़े में मत फंसो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और या कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब पे ध्यान दो। सही बात है कि नहीं? आप ऐसा ही करोगे, सही बात है, हकीकत बात है। और आपके पैसे फंसते हैं तो आप दूसरे लोगों से क्या बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा प्लान है, आप प्लान ज्वाइन करिए, लाखों रुपए कमाओगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये आपकी ऑल्टो है ना, देखना 3 महीने बाद इसी जगह ऑडी खड़ी मिलेगी। तो ऐसी बातें मत करिए। आप फंसे हो, फंसने के बाद दूसरों से बोलिए कि हाँ भाई ये कंपनी में कुछ भी नहीं है, अगर नहीं है सच बताइए दूसरों को कि नहीं है भाई, आप कुछ अच्छा करिए, काम करिए, अच्छा कुछ देखिए। उनके लिए सीधी सी मेरी यही राय रहेगी। अब जो लोग फंसना चाहते हैं तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा, देखो आपके पास अगर इससे अच्छी चॉइस है, मेरे हिसाब से इससे अच्छी हर किसी के पास चॉइस होगी, बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं, टूलिप, सहारा और पल्स अभी बंद हुई है जिसका कुछ मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो LIC का ले लीजिए, पैसे कमाने हैं तो आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, जॉब है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अभी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। इन लॉकडाउन में ना फंसे तो ही ज्यादा बेटर है, आपका पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, कुछ भी नहीं होगा। तो बस आप
कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, लाइफ में बड़ा करिए, पर अपने ऊपर लेके कीजिए, ये चिट फंड कंपनियों के चक्कर में ना फंसे। आप लोगों की क्या राय है इन कंपनियों के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ लोग मेरे को इस वीडियो पे गालियां भी देंगे क्योंकि वो इन कंपनियों से जुड़े होंगे, और कुछ कंपनियों के मालिक होंगे जो इस वीडियो को देखने आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे जैसे लोग उनका धंधा बंद करा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और बस यही है जो था, मैंने बता दिया, जो भी मेरे दिल में था, जो भी भड़ास थी, वो मैंने उनके खिलाफ निकाल दी, और मेरे भी बहुत कंपनियों से लॉस हुआ है। बस यही कहूंगा कि ये वीडियो को फैला दो सभी लोगों तक, जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में या जो आपको चीट फंड कंपनियों में ज्वाइन होने की बोलते हैं, उनको सभी को दिखा दो यार क्या हालत है इनकी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।